नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कश में हिमांशु द्विवेदी। देश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ डरा रहा है। बीते दिन 1 लाख से ज्यादा नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 400 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। वहीं पिछले महीने हफ्ते में हुई औसतन मौतों की बात करें तो 8 मार्च को देश में औसतन 97 मौतें दर्ज की गई थीं, जो आंकड़ा 5 अप्रैल को बढ़कर 490 तक पहुंच गया है। यानी हफ्ते में होने वाली औसतन मौतों में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ती महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार और देश की तमाम राज्य सरकारें चिंतित हैं। तभी तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्कूलों कॉलेजों को बंद करने के ऐलान के बाद जनहित में तमाम गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। वहीं अब दिल्ली में नए सेशन से शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों को अनिश्चितकालीन तक बंद कर रखने का फैसला बीते दिन लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में बीते 4 दिनों से 3500 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाह रहा हो तो उसे छूट मिलेगी, लेकिन ई पास उसे भी लेना होगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण की शर्तों में छूट देने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की थी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें गुजारिश की गई है कि टीका लगाने के नियमों को सरल किया जाए। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगर दिल्ली सरकार को छूट दी जाती है तो 3 महीने के अंदर सभी दिल्ली वासियों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि भारत ने अपने वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और चिकित्सकों की शानदार प्रतिभा और कठिन मेहनत से प्रभावी वैक्सीन तैयार कर कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक जंग में निर्णायक बढ़त हासिल की है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है। वहीं आपको बता दें, राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल की शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।